कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है, जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है। उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाई और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा, 20% परिवारों को, 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाई और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को।